अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई मैं विश्नाज और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम की सोच के साथ हज़ारा का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल DAA न्यूज़। आज की वीडियो हमें स्पॉन्सर की है ताकि वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान एंड ब्रिटन ऑयल। आज की वीडियो में हम पाकिस्तानी अवाम से जानेंगे उनकी राय, उनको क्या लगता है नदरन एरियाज़ उनको अट्रैक्ट क्यों करते हैं, पाकिस्तान में जो सैर गाहें हैं उनमें कौन सी ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ है जिनकी वजह से वो पंजाब जैसे इलाके को छोड़ के वहाँ सैर गाहों पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। वहाँ के खाने, वहाँ का माहौल और सबसे बड़ी चीज़ वहाँ की नेचर में कौन सी ऐसी फ़िज़ा है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनकी बनती है सोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे पाकिस्तानी आवाम से, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं वीडियो में। आप देख रहे हैं DAA न्यूज, हजारा का सबसे बड़ा न्यूज चैनल। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं नदरन एरियाज़ को विज़िट करना, मुझे बताएं आपको पसंद है? जी बिल्कुल। कौन कौन से इलाके विज़िट किए? मैं स्कर्दू भी गया हूँ और हुंजा और खुंजरा पास तक। अच्छा, क्या ऐसी रीज़न है कि लोगों को वो चीज़ें हैं, वो जगहें बहुत अट्रैक्ट करती हैं? बिल्कुल, नेचुरल ब्यूटी है और सबसे प्रायोरिटी ये है कि हमारा अपना मुल्क हमें देखना चाहिए। वहाँ के खानों में, चीज़ों में, कल्चर में और यहाँ वाले में कितना डिफरेंस फील किया आपने? कल्चर में तो बिल्कुल ऑब्वियसली फ़र्क है, वो थोड़ा नेचुरल है, उनका फूड काफ़ी नेचुरल है, तो हमारा थोड़ा सा ज़रा चेंज हो जाती चीज़ें। आपको नहीं लगता पाकिस्तान में टूरिज्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता? अगर किया जाए तो पाकिस्तान में इतनी ब्यूटी है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान की इकॉनमी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं हमारा टूरिज्म? नहीं, अब तो प्रमोट कर रहे हैं बिल्कुल। अभी करंट जो हमारी पोजिशन चल रही है उसमें तो बहुत प्रमोशन आ रही है, टूरिस्ट कंपनीज काफ़ी ज़्यादा ओपन हो गई हैं और हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी अब काफ़ी प्रमोट कर रही है इस चीज़ को। लेकिन जितना किया जाना चाहिए या जितना किया जा सकता है उतना नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर हम देखें हमारे पास कश्मीर है, मतलब बहुत बहुत खूबसूरत इलाके पड़े हुए जो कि फॉरनर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो चीज़, तो अगर हम उस चीज़ को प्रमोट करें तो जिन लोगों को नहीं भी पता, जिन लोगों तक वो नॉलेज नहीं भी गया उनको भी जाए और हम उनको भी अवेल कर सकते हैं इस चीज़। बिल्कुल, इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, हमारी अपनी ग्रोथ होगी और इकॉनमी के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसके लिए करना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, दूसरी जानब अगर मैं आपसे जानूँ आपकी राय, तो आपको क्या लगता है वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो नदरन एरियाज़ में है, यहाँ पे नहीं और हमें खींचती है उस तरफ? पहाड़ वो चले आओ तुम पहाड़ों की कसम, दरिया और पहाड़। अगर वही दरिया और पहाड़ यहाँ की फिजा और हवा में आ जाए तो क्या लोग यहाँ की चीज़ों को भी उतना ही फैसिनेटिंग तरीके से? हमारा एटमॉस्फेयर जो है अब हो चुका है, जितना पोल्यूशन हो चुकी है वो हम कभी भी बीट नहीं कर सकते उस चीज़ को, जो ब्यूटी और जो नेचुरल और जो प्योर चीज़ वहाँ पर है वो उधर ही है। अच्छा, वहाँ कौन सा ऐसा अमेजिंग चीज़ थी या पार्ट था या इलाका था जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया? मुझे शुग्रा बहुत पर्सनली बहुत खूबसूरत लगता है, बड़ा साफ, नीट और क्लीन है, और ख़ास तौर पे विंटर के अंदर जो वाइटनेस उधर होती है वो मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती है। सर्दियों में नदरन एरिया ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं या गर्मियों में? दोनों की अपनी अपनी है, कुछ पार्ट्स जिस तरह कश्मीर है वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा क्योंकि ग्रीनरी बहुत होती है वहाँ पे, और जो कलाम सवाद, मुझे पर्सनली कलाम सवाद ज़्यादा बिल्कुल, तो जो कलाम नारायण साइड है ये सारी हमें सर्दियों में बहुत खूबसूरत है। ओके व्यूवर्स, पाकिस्तानी आवाम को बहुत ही ज़्यादा पसंद है वो इलाके, इसी वजह से हर सीज़न ही, बल्कि मुझे नहीं पता ही हर सीज़न जाते हैं, हर सीज़न जाते हैं बिल्कुल। मैं तो खुद हर सीज़न इस चीज़ को प्रेफरेंस पर रखती हूँ कि मैंने नदरन एरियाज़ ज़रूर विज़िट करने हैं। तो जो लोग हमें फ़ॉरन बैठ के देख रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये मैसेज है कि पाकिस्तान के नदरन एरियाज़ को विज़िट करने ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी है और अब उसको प्रमोट भी किया जाता है। अब्दुल्ला का भी वैसे आपके मुंह से भी मुझे लग रहा था आपका नाम अब्दुल्ला होगा, पता नहीं क्यों। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब्दुल्ला, मुझे बताओ कभी पाकिस्तान में नदरन एरियाज़ विज़िट किए हैं? एक्चुअली मैं पहले रह चुका हूँ दुबई में 7 ईयर्स, फिर मलेशिया में 4 ईयर्स, लेकिन पाकिस्तान में नहीं घूमा अभी तक। पाकिस्तान में नहीं घूमे, कभी देखा तो होगा, सुना तो होगा, पीछे क्यों भाग रहे हैं, हमारे कैमरे का फोकस ख़राब हो जाएगा। पाकिस्तान में कभी नदरन एरियाज़ के बारे में सुना तो होगा, पिक्चर्स तो देखी हूँ। जी बिल्कुल सुना है, मैंने अभी जाना है ग्वादर और क्वेटा और उसके बाद फेरी मेडोज जाना। अच्छा, क्वेटा, ग्वादर और फेरी मेडोज, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको खींच के वहाँ ले जाना चाह रही है? मतलब मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं बलूचिस्तान के, तो वहाँ उनको विजिट करना है उनके एरियाज़ को, और फेरी मेडोज को मैंने दोस्तों से सुना है। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान के नदरन एरियाज़ में आपको लगता है अट्रैक्टिव होगी जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए? मतलब वहाँ की जो ग्रीनरी और सीनरी जो है वो ज़्यादा मैंने देखनी है। उसके अलावा यहाँ के कल्चर और वहाँ के कल्चर में कितना डिफरेंस पाएंगे आप, या आपको उम्मीद है कि हो सकता है?
ज़ाहिर सी बात है हर जगह के अपने कस्टम्स और ट्रेडिशंस और कल्चर्स होते हैं, तो नए नए कल्चर्स को एक्सपीरियंस करने एक अच्छी बात होती है। आपको लगता है कि आने वाले वक्त में अगर पाकिस्तान कभी भी इकॉनमी के लिए टूरिज्म को यूज़ करना चाहे, वैसे तो आज के दौर में भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो टूरिज्म से बहुत सारा पैसा कमा रही हैं, तो पाकिस्तान को भी इकॉनमी इन्हांस करने के लिए टूरिज्म को एक पर्पज़ या एक वो बनाना चाहिए? जी बिल्कुल बनाना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि हमारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं ठीक है जो मतलब वो फोकस नहीं करते इन चीज़ों पे। तो अभी तो स्टार्ट हुआ था अभी पिछले एक 1-2 ईयर्स में, मैं नहीं था यहाँ पे लेकिन मैंने सुना था देखा था कि मतलब ये टूरिज्म वगैरह स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी शायद फिर कोविड आ गया, फिर फ्लड आ गया, ऐसे ही है थोड़ा कम हो गया। और लेकिन हमारी जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो इस बात पर फोकस नहीं करती ज़्यादा, तो करना चाहिए उनको भी। करना चाहिए। और हमारे जो है नजरन एरियाज, उनमें कौन सी ऐसी सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो लोगों को खींचती है अपनी तरफ? मोस्टली ग्लेशियर्स हैं ठीक है, उसके बाद आपकी झीलें हैं ठीक है, और उसके बाद आपके क्या कहते हैं मतलब यही चीज़ें, मैं खुद गया नहीं हूँ, ये खुद गए नहीं है, ये खुद विजिट करेंगे और फिर हम इनसे करेंगे बात कि इनको कौन कौन सी चीज़ें अट्रैक्ट की, कौन कौन सी चीज़ें इनकी सोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनी कि दोबारा जाना चाह रहे हैं। तो इनसे जाने के उसके बाद चलते हैं बाकी लोगों के ऊपर, देखेंगे वो क्या राय रखते हैं। पाकिस्तान के नजरन एरियाज विजिट किए, कैसा लगा आपको, कैसा एक्सपीरियंस रहा? फैंटास्टिक। कौन कौन से एरियाज विजिट किए? स्वात, मिंदौरा, तिमरगरा। ओके, और क्या ऐसी चीज़ थी जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है? वेदर। और क्या डिफरेंस है पंजाब और नजरन एरियाज में? दे आर ट्रू पीपल्स। और हैव यू एवर विजिटेड एबटाबाद, गिलगित, बल्तिस्तान? सेवरल टाइम्स। तो क्या एक्सपीरियंस किया आपने वहाँ की वेदर कंडीशंस, वहाँ के खानों को लेके, वहाँ के जो है ना व्यूज को लेके, नेचर को लेकर? एवरीथिंग इज फैंटास्टिक ओवर देयर रिगार्डिंग पीपल, दे आर वेरी गुड, मच प्रीटी बेटर रिगार्डिंग बिहेवियर, एटीट्यूड्स, दे आर वेरी ट्रू फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, नॉट लाइक पंजाबी। ओके, नॉट लाइक पंजाबी, क्या डिफरेंस है? पंजाबी से समथिंग एल्स एंड एक्चुअल समथिंग एल्स। ओके, और वहाँ के खानों में? खाना है उनके थोड़े ट्रेडिशनल हैं, उनके अपने हैं, यू कॉन्ट फाउंड फूड लाइक पंजाब, बट यू कैन फाउंड देयर फूड अकॉर्डिंगली नाइसली। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा नेचर है, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने जो है ना कुदरती मनाजिर रखे हैं, उनको विजिट करके और उनको देख कर इंसान के जहन में क्या चीज़ आती है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अदर देन दैट, बेस्ट अमंग द रेस्ट। माशाल्लाह, एग्जैक्टली सर। अच्छा, अगर हम बात की करें पंजाब की और हमारे इन एरियाज़ की, तो इन एरियाज़ और उन एरियाज़ में कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें वहाँ खींचती है यहाँ से? आई टेल यू, रियलिस्टिक अप्रोच। अदर देन दैट, रियलिस्टिक अप्रोच एंड वेरी फेयर कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस, थोरोनेस। अच्छा, बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो हमारे मुल्क को वैसे तो खासा पसंद नहीं करते, लेकिन हमारी सैरगाहें उनको बहुत ज़्यादा मुतासर करती हैं, और वो लोग हमारे यहाँ हमारे नजरन एरियाज को विजिट भी करते हैं और वहाँ आते भी हैं, क्या वजह है? बिकॉज नेचर नेवर टेल लाई, नेचर नेवर टेल लाई, नेचर के लिए आते हैं। ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी आवाम के जवाब और देखें उनके रिएक्शंस के, उनको क्या लगता है पाकिस्तान में जो सैरगाहें हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों का अट्रैक्ट करती हैं, बाहर से भी, फॉरेन कंट्री से भी लोग उनको विजिट करने आते हैं, उसके पीछे क्या रीजंस हैं? अगर मुझसे मीडिया तक जानी जाए तो मैं भी 6 माह में 1-2 दफ़ा ज़रूर नजरन एरियाज विजिट करती हूँ। उसके रीज़न वहाँ की जो है चहलता हुआ मौसम, वहाँ की बहारें, वहाँ का खाने, और अदर देन दैट वहाँ का यहाँ की नस्बत बहुत ज़्यादा चेंज हुआ हुआ मौसम और नेचर है जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे दें इजाज़त, फर्दर वीडियोज़ के लिए कॉमेंट सेक्शन में सजेशन देना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर लें, बेल आइकन को क्लिक भी कर लें ताकि आने वाली वीडियो से आप लोग रह सकें अपडेट। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।